रायगढ़ डिवीजन में एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। रायगढ़ बिलासपुर रेल मार्ग पर रॉबर्टसन के पास टाटा इतवारी एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे प्रशासन ने डीरेल हुई ट्रेन को वापस पटरी में लाकर राहत की सांस ली। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने एक दिन पहले कार लूट मामले में फरार सह आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को दर्ज आईपीसी की धारा के तहत न्यायालय के सामने पेश कर जेल में दाखिल करा दिया है। बिलासपुर के रतनपुर थाना परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां जब्त एवं अन्य प्रकरणों में खड़ी दोपहिया वाहनों में अचानक आग लग गई। भीषण गर्मी के बीच लगी ये आग थोड़ी ही देर में विकराल रूप में बदल गई, जिसे रोकने प्रयास किए गए लेकिन कुछ हुआ नहीं और आग फैलते हुए सभी गाड़ियों तक पहुंच गई और थाना परिसर में आग की बड़ी लपटें उठने लगी। बुधवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग किसान को हाईवा ने टक्कर मार दी। हाईवा की ठोकर से किसान सड़क पर गिर पड़ा और हाईवा ने उसे कुचल दिया। इस दौरान उसके पीछे से आ रही दो अन्य हाईवा वाहन सड़क पर पड़े किसान को बेरहमी से कुचलते हुए भाग निकले। इसके चलते किसान का शव सड़क पर क्षत विक्षत होकर बिखर गया। सुपेला स्थित अंसारी बिरयानी सेंटर के सामने अपनी एक्टिवा खड़ी कर बाजार से सामान खरीदने गई महिला की गाड़ी को चोरी करने वाले आरोपी को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में नाली पर लगने वाले लोहे के ढक्कन को चोरी कर बेचने की फिराक में घूम रहे दो युवकों को पुलिस ने पकड़कर 9000 रुपए कीमत का लोहे की जाली को जब्त किया है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में शराबी बेटे ने शराब पीने को मना करने की बात पर वृद्ध पिता को फावड़ा से वार कर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात से सरिया इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजकर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर जिले की रेवटी चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर साईं बाबा बस सर्विस की बस को चौकी के सामने नाकाबंदी कर रुकवाया। बस की तलाशी लेने पर बस की डिक्की से अंग्रेजी शराब रॉयल स्टेज 13 बोतल 750 ml वाला कीमत 8710 रुपए को जब्त कर बस में बैठे जितेंद्र तिवारी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर जिले में खनिज विभाग की टीम ने कोयला रेत पत्थर का अवैध परिवहन करते 24 से अधिक वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की है, जिससे लगभग 4 लाख की राजस्व वसूली हुई है। सूरजपुर के ही विश्रामपुर थाना क्षेत्र में 5 माह पूर्व लूटपाट व डीजल चोरी के अलग अलग 2 मामलों में शामिल फरार एक आरोपी को विश्रामपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के बुढ़ार क्षेत्र में घेराबंदी कर ढूंढ दबोचने में सफलता हासिल की है। पटेवा थाने की पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 किलो गांजा जब्त किया है। तीनों आरोपी कबीरधाम जिले के रहने वाले बताए गए हैं। इनमें से एक दामापुर बाजार के पूर्व सरपंच का बेटा है। ये तीनों बाइक से बोरी में गांजा लेकर कवर्धा आ रहे थे। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में आरोपी को पिछले 1 हफ्ते से पुलिस अलग अलग ठिकानों पर ढूंढ रही थी। आखिरकार बुधवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी से लगे ग्राम देवादा में नेशनल हाईवे स्थित हमारा ढाबा के संचालक भाइयों पर जानलेवा हमला कर तोड़फोड़ करने वाले 5 और हमलावरों को सोमनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी दुर्ग के हैं। इससे पहले सोमनी पुलिस 7 आरोपियों को जेल भेज चुकी है।
राजनांदगांव जिले में किसानों के खेत में सिंचाई पंप पर लगे केबल वायर की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग बताए गए हैं। आरोपियों से 4 किलो तांबे का वायर जब्त कर लिया गया है। इसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है। कांकेर जिले में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अपहर्ता को बरामद कर लिया है। जिले के लोहत्तर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग किशोरी के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। कांकेर जिले में तेंदूपत्ता की 350 से ज्यादा बोरियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया होगा। रात भर तेंदूपत्ता धूं धूं कर जलता रहा। धमतरी जिले में कुरुद थाने के नए टीआई प्रणाली वैद ने निरीक्षक का चार्ज संभाला। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने होटल ढाबा व लॉज की जांच की। इस दौरान 2 ढाबा संचालक सहित 1 कर्मचारी को शराब पिलाते पकड़ा गया। जांजगीर एसपी कार्यालय में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने पुलिस कॉलोनी के सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला आरक्षक को पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ पुरुष आरक्षक ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था। पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। असली सोना दिखाकर नकली सोना खपाने वाले और ट्रेन में यात्रियों से उठाईगिरी करने वाले चरोदा के 2 आरोपियों को जांजगीर जिले की अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से लगभग 7,50,000 के कीमती जेवर, नकदी रकम 49,000 रुपए बरामद कर ली है। आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से एटीएम जारी कर किसान सम्मान निधि की रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश जांजगीर जिले की सख्ती पुलिस ने करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 4,95,800 रुपए नगद, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 100 नग जियो सिम और 288 नग एटीएम कार्ड जब्त किया है। रिश्वत लेने के मामले में ब्लॉक मुख्यालय पामगढ़ के हलका नंबर 23 भुईगांव के पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र में दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर डाली। दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था। इस बीच जब फिर से झगड़ा हुआ तो आरोपी ने लकड़ी से ससुर के सर पर वार कर दिया, जिससे ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा मौधापारा थाना की संयुक्त टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए मकान में दबिश देकर नशीले कफ सिरप बेचने वाले आरोपी नौशाद खान को पकड़कर उसके कब्जे से 12,000 रुपए कीमत 88 नग प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप जब्त किया है। जशपुर जिले के परथलगांव थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर रेस्ट हाउस के पास रहने वाला मनेंद्र सिंह भाटिया अपने घर में अवैध रूप से ताश बत्ती से रुपए पैसे का दाव लगाकर 12 जुआरियों को जुआ खिलाते पकड़ा गया। 28,000 रुपए से जब्त किए गए हैं। जुआरियों ने पुलिस से बचने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था। पुलिस ने केबल व एंगल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता पाई है। पुलिस को 1 साल से इस गिरोह की तलाश थी। 1 साल से ये गिरोह 30 से 35 चोरियों को अंजाम दे चुका है। चोर गिरोह खेतों में लगे मोटर पंप का केबल वायर व लोहे का एंगल चोरी किया करते थे। पुलिस ने 2,00,000 रुपए का माल बरामद कर लिया है।
चौक इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से आरंग निवासी बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 7 माह की मासूम बच्ची मां की गोद से छिटक कर दूर जा गिरी, जो पूरी तरह से सही सलामत है। पर्यावरण विभाग ने रांची पावर प्लांट पर 25 करोड़ रुपए के जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई औद्योगिक कचरा के निपटाने में घोर लापरवाही बरतने के कारण की गई है। 15 दिन के अंदर जुर्माना नहीं पटाने पर विभाग सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी के आरोप पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगरनार में स्टील प्लांट के लिए NMDC को कोई भी भूमि नहीं बेची गई है और न ही निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सरकार ने कहा है कि प्लांट के लिए NMDC को जमीन 99 वर्ष की लीज पर दी गई है। बॉर्डर पर स्थित गढ़चिरौली जिले में आपसी विवाद में 2 जवानों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। मौके पर ही दोनों जवानों की मौत हो गई है। ये दोनों स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के हैं। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।